डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, और ब्रायोफाइट्स की जनरल करेक्टरिस्टिक करने के बाद हम लिवर बर्ड्स भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मॉसिस की। सबसे पहले तो हम एक चीज़ सीखेंगे कि ये जो मॉसिस होते हैं ये लिवर बर्ड से कैसे डिफरेंट होते हैं। अब आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है दैट इज गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड मींस जो एक सेट होता है क्रोमोसोम का, वन एन जिसे कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉसिस में भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट ही होगी, मतलब जो प्लांट बॉडी हमें दिखेगी वो बेसिकली क्या होगी, वो गैमेटोफाइट होगी, क्योंकि उसमें गैमेट्स लगेंगे, मतलब गैमेट बेयरिंग ऑर्गेन होंगे और वहां पे गैमेट्स लगेंगे और वो हैप्लोइड होगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर हमने लिवर बर्ड्स में ऐसी कोई बात नहीं की, इसकी लाइफ में दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है, टू स्टेजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो दो स्टेजेस होती है ये कौन कौन सी होती है। नाउ द स्टेज वन इज प्रोटोनिमा स्टेज। ये देखिए, आपने अभी तक नई टर्म सुनी लिवर बर्ड्स में, जेमी या जेमग। यहां पर आप एक अलग टर्म सुन रहे हैं, दैट इज प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा स्टेज मॉसिस में पाई जाती है, जबकि लिवर बर्ड्स में स्टेज नहीं होती। और दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है लीफी स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस देयर आर टू स्टेजेस, एंड द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। अब हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोटोनिमा स्टेज, कि प्रोटोनिमा स्टेज होती क्या है। तो प्रोटोनिमा स्टेज या प्रोटोनिमा क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोनिमा की, कहां से बनता है। अब थोड़ा सा आप लिवर बर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा था कि वहां पर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देते हैं। यहां पर क्या होगा कि स्पोर डायरेक्टली क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रोटोनिमा। तो इसका मतलब है कि प्रोटोनिमा स्टेज इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। जैसे आपको होता है कि स्पोरोफाइट के कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, तो कैप्सूल ग्रो करके यहां पर क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा बनाएंगे बजाय प्लांट बॉडी के। तो दिस इज कॉल्ड ए प्रोटोनिमा स्टेज। अब जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो कैसी होती है। इट इज क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब रेंगती हुई। एक तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ क्रीपिंग स्टेज। सेकेंड, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस। मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ये स्पोर है, सपोज कीजिए ये स्पोर है, ये स्पोर सीधा प्लांट बॉडी में डेवलप होगा। ये क्या होगा, ये डेवलप कर जाएगा ऐसे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर में, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनिमा स्टेज। ये देखिए, ग्रीन है, क्रीपिंग है और फिलामेंटस स्टेज है। तो कौन सी स्टेज हुई, ये क्या बना, मतलब स्पोर जो है डायरेक्टली प्लांट बॉडी नहीं बनाएगा, वो पहले क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा। अब इसी प्रोटोनिमा में बर्ड्स जैसे अपराइट शूट्स दे गए और यहाँ पे फिर बर्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये बर्ड प्रोड्यूस करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा। पर आप इतना कर समझिए कि मॉसिस के लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होते हैं, और उनमें से जो पहली स्टेज होती है जो स्पोर से डायरेक्ट बनती है, दैट स्टेज इज नोन एज प्रोटोनिमा स्टेज।
अब आपसे पूछे भाई प्रोटोनिमा होता क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज ग्रीन लीफ, इट इज ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज एंड इट ड्वार्फ्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। अब जब ये प्रोटोनिमा, मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे ये बड है, बड अपियर होगा और ये धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा में चला जाएगा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद जो दूसरी स्टेज पहुंचेगी दैट इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज का मतलब है कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अपियर होंगे, तो इट इज लीफी स्टेज, दिस इज स्टेज नंबर टू। अब जो लीफी स्टेज होती है इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कॉम्पिटिटिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए लीफी स्टेज कहां से डेवलप होती है, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब स्पोर है तो वो प्राइमरी प्रोटोनिमा में डेवलप होता है और प्राइमरी प्रोटोनिमा धीरे धीरे किसमें चेंज होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फिर कौन सी स्टेज आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज। तो इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड, तो किस रूप में होती है ये, लेटरल बड के रूप में आती है। और इसमें क्या होगा, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, तो यहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो मतलब क्या होगा इसमें, एक तो अपराइट एक्सिस होंगे और दूसरा जो लीव्स होगी वो कैसी होगी, वो होगी स्पाइरली अरेंज्ड। ये देखिए मैं आपको यहां पे एक लीफ स्टेज दिखा रहा हूं, ये देखिए ये लीफ स्टेज है और यहां पे ये राइजोइड्स है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये राइजोइड क्या खासियत होती है यहां पे। तो आपको पता है कि मोसिस के केस में दो स्टेजेज होती है, एक प्रोटोनिमा स्टेज होती है और दूसरी लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनिमा कहां से बनता है, वो स्पोर से बनता है और वो एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, स्ट्रक्चर होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे बडिंग होती है और धीरे धीरे अपराइट एक्सिस बनती है उसमें, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में चेंज हो जाता है, फिर उसमें लीव्स आने लग जाती है, देन इट चेंजेस इनटू अ लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज में हमारे पास क्या होता है, अपराइट एक्सिस हो जाएगी और स्पाइरली अरेंज्ड क्या होगी, लीव्स होगी, या उनको हम लीफ लाइक अपेंडेजेस कहते हैं। अब जब हमारे पास स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हो गई, देन दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर राइजोइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीवर बर्ड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि लीवर बर्ड्स में, पहले भी आपको बताया कि वहां पे रिजॉइड, जैसे ये देखिए मैं एक लीवर बर्ड बना रहा हूं, ये देखिए ये लीवर बर्ड बनाया मैंने, यहां पे ये रिजॉइड दिखा है, यहां पर ये रिजॉइड है। अब क्या फर्क है इनमें, यहां वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, पर फर्क क्या है, फर्क यह कि यहां वाले जो रिजॉइड है, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बड़ा करूं तो ये मुझे ऐसे दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि इनमें एक ही सेल नजर आ रही है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इनके देखूं तो ये इस तरह के आएंगे। अब आप बताइए, देखिए ये वाले ये कैसे हैं, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, मतलब यहां पे रिजॉइड इस तरह के रिजॉइड होते हैं। ये देखिए यहां पे रिजॉइड कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर हम बात करें लीवर बर्ड्स में तो वहां पे केवल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू कैन से इन केस ऑफ लीवर बर्ड्स द रिजॉइड्स आर यूनिसेलुलर, मतलब वहां पे ऐसे होंगे यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। बट इन केस ऑफ दिस मॉसिस दिस रिजॉइड्स आर यू कैन से ब्रांच्ड एज वेल एज मल्टी सेलुलर एंड दिस इज द लीफी स्टेज विच बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो मॉसिस होते हैं उनकी कौन सी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो आप बोलेंगे प्रोटोनिमा स्टेज में नहीं होते, कौन सी स्टेज में होते हैं, वो लीफी स्टेज में होते हैं। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर क्या होगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन में आपको पता है रिप्रोडक्शन तीन टाइप की होती है, एक वेजिटेटिव और एक एसेक्सुअल
और एक सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव यहाँ भी वही मेथड है, क्या है, फ्रेगमेंटेशन। और मैं अब बार बार आपको फ्रेगमेंटेशन नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि फ्रेगमेंटेशन आपको अब आ चुकी है। और दूसरी एक तो फ्रेगमेंटेशन होती है, पर उसके अलावा एक और है, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज होती है, तो इसके अंदर जब बड्स उसमें बनते हैं तो नया प्लांट डेवलप हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन केस ऑफ दिस मॉसिस प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो बडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे गैमा कप्स नहीं बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं एंथरिडियम, जो कि स्पेशल ब्रांचेस पर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर्चिगोनिया, जो कि स्पेशल ब्रांचेस पर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं आर्चिगोनियो फोर। क्लियर है? और ये क्या, यहां पे कहां बनेंगे, दीज आर प्रोड्यूस्ड, यू कैन से सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, कहां पे प्रोड्यूस करेंगे, एट द अपेक्स, किसमें, एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स पे वो बनते हैं। एंड दिस इज हाउ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीफी स्टेज। अब आपको पता है कि अब एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड बनेंगे और आर्चिगोनियम के अंदर एग बनेगा, जो एंथीरोजॉइड होंगे वो पानी से जाएंगे और आर्चिगोनियम के अंदर एग के साथ फ्यूज करके क्या बना देंगे, वो जाइगोट बना देंगे फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब जो जाइगोट है वो जाइगोट किसमें डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट आपको पता है कि उसके तीन हिस्से होते हैं, एक उसमें फुट होता है, एक उसमें सीटा होता है और एक इसमें कैप्सूल होता है। पर इस केस में, मॉसिस के केस में, स्पोरोफाइट जो होता है इट इज मोर इलेबोरेट और उसमें ग्रीन कलर भी होता है, मोर इलेबोरेट देन क्या आ गया हमारे पास, लीवर वर्ड्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये हमारे पास एक लीफी स्टेज दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये राइजॉइड है और ये देखिए, ये यहाँ पर यहाँ फुट होगा, ये सीटा है और ये जा करके क्या है, ये कैप्सूल है। तो ये इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है इट इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ लीवर वर्ड्स, तो यहाँ पे वो ज्यादा एलेबोरेट होता है। और मैंने आपको बता दिया कि उसमें फोटोसिंथेटिक मतलब वो ग्रीन भी होता है। और आपको पता है कि लीवर बर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वो किससे अपनी न्यूट्रिशन लेता है, वो लेता है गैमेटोफाइट से। अब आपको पता है कि जो स्पोरोफाइट का कौन सा हिस्सा होता है, कैप्सूल, उसके कुछ एक सेल जो होते हैं वो मियोसिस करते हैं और क्या बना देते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। तो अब देखिए, हमने स्पोर से ही स्टार्ट किया था और स्पोर में ही हम पहुंच गए, और स्पोर हमेशा कैसे होंगे, यहाँ पर वो हैप्लोइड होंगी। तो इससे पहले वाली स्टेजेस जब से जाइगोट बना, तो ये हमारे पास डिप्लोइड स्टेजेस है, 2n है, लेकिन जो स्पोर्स है हमारे पास वो हैप्लोइड है। और अब आपको होता है कि स्पोर जो हैं वो किस में ग्रो करेंगे, प्रोटोनिमा में, द क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस स्टेज में करेंगे, फिर वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में चेंज हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो लीफी स्टेज में बन जाएगा और लीफी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे, जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्चिगोनियम होता है, उनके अंदर एंथीरोजॉइड और एग होंगे वो, और आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, वहाँ पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि लीवर बर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेबोरेट है और उसके पार्ट्स वही है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे दे हैव यू कैन से एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोर डिस्पर्सल का यहाँ पे ज़्यादा मैकेनिज्म होता है।
तो ये हमारे पास आगे मॉसिस, और इनको याद रखने का, इनके एग्जाम्पल को याद रखने की एक ट्रिक है, सिंपल जैसी ट्रिक है कि फल पके और स्वादिष्ट होए, मतलब फ्रूट्स जो होते हैं वो पक कर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट्स मतलब फ्यूनेरिया, और पक कर मतलब पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, और स्वादिष्ट मतलब स्फेग्नम। आप पहले ही पढ़ चुके SPHAGNUM, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं, बॉग मॉस भी कहते हैं। तो ये स्फेग्नम है। तो क्या है, फल पक कर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो दीज वर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज मॉसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो मॉसेस होते हैं उनके लाइफ में दो स्टेजेस होती है। एक स्टेज जो होती है वो प्रोटोनिमा से स्टेज होती है, जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करती है, और ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस स्टेज होती है। इसमें बडिंग प्रोसेस होती है, धीरे धीरे ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा में चेंज होती है, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होती है लेटरल बडिंग के द्वारा लीफी स्टेज बनाती है, जिसमें अपराइट एक्सिस होती है और स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ पर जो रिजॉइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच होते हैं, जबकि लिवर बर्ड्स में रिजॉइड्स केवल यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होगी या बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। और इन दिस केस दिस स्पोरोफाइट इज मोर इलेबोरेट, एज वेल एज देयर इज अ मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल। ये आगे आप पढ़ेंगे कि जो फ्यूनेरिया होता है उसमें इस तरह से दांत होते हैं, और वो दांत पकड़ पकड़ के स्पोर को डिस्पर्स करते रहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में आप मॉस को स्टडी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉस का जो है उसमें स्पोरोफाइट भी दिखाया जाए। तो आप इसके बाद इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मॉस दिखाए जा रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, और आप देख सकते हैं इनमें स्पोरोफाइट्स आप नज़र आ रहे हैं, जो थिन स्ट्रक्चर है स्टॉक की तरह, दैट इज सीटा, और इनके ऊपर जो नॉब है दैट इज कैप्सूल। इस वीडियो को देख करके आप इजीली समझ सकते हैं कि जो मॉसेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, मतलब एक मैट के रूप में ग्रो करते हैं, और वो सॉइल एरोजन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये लीफी स्टेज दिखाई गई है, जिसके ऊपर आपको केवल स्पोरोफाइट दिखाने के लिए ये वीडियो दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मॉसेज होते हैं उनमें लीफी स्टेज होती है और स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता है।